नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं कि गेमर्स अपने जो HD फुल HD 2K या फिर 4K गेम से उन्हें कैसे आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे जो वो जो रिकॉर्डेड फाइल है उसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेटॉल चैनल पर नए हैं और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में फ्यूचर में भी वीडियो पाना चाहते हैं तो गैजेटॉल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे ही आप कोई गेम खोलेंगे, जब वो गेम ओपन हो जाएगा तो आपको NVIDIA GeForce Experience सॉफ्टवेयर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप एक गेम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो Alt F9 को दबाइए। जैसे ही आप वो गेम स्टार्ट होने के बाद Alt F9 दबाएंगे तो आपका गेम एकदम प्रीसेट ऑप्शन में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब प्रीसेट ऑप्शन क्या है, आपको पहले से चूज करना होगा कि आपका गेम HD फुल HD 2K या फिर 4K में रिकॉर्ड होना चाहिए। वैसे आप जितना रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे आपका रिकॉर्डर साइज बहुत ही बड़ा होगा। मैंने एक वीडियो को 2K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करा था और 15 मिनट रिकॉर्ड करा था तो मेरा जो ड्राइव था वो 15 GB तक हो चुका था, इसीलिए मैं फुल HD में गेम रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं PUBG का गेम खेल रहा हूँ, अब आप गेम प्ले तब तक एंजॉय कीजिए। जब मैंने गेम प्ले को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तब मैंने Alt F9 दबाया था और जैसे ही मैंने रिकॉर्ड को स्टॉप करा उसके लिए भी Alt F9 दबाया। अगर आप रिकॉर्डेड फाइल को ढूंढना चाहे तो उसके लिए पहले आपको माई कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, फिर सी ड्राइव, फिर यूजर्स, आपके कंप्यूटर का जो भी नाम है वहाँ पर, जैसे मेरा बाबाई नाम है इस पर मैं जाता हूँ। इस पर आपको वीडियोज ऑप्शन पर जाना होगा, ए ऑप्शन वीडियोज। देखिए यहाँ पर आपका वो फाइल है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे फाइल को कैसे ढूंढा जाए। और अगर आप इस डिफ़ॉल्ट पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको GeForce Experience नाम का ये जो सॉफ्टवेयर है इसे ओपन करना है। आपका अकाउंट वहाँ पर दिखेगा, जैसे ही आपका अकाउंट वहाँ पर दिखेगा तो सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर जनरल ऑप्शन पर जाइए, फिर यहाँ पर जो सेटिंग ऑप्शन पर इस पर क्लिक करने से देखिए आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है रिकॉर्डिंग भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करने से देखिए वीडियोस फाइल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो मनचाहा जगह है वहाँ पर भी आप अपने वीडियो को स्टोर कर सकते हैं।
वैसे मैं तो इस जगह पे स्टोर करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एनवीडिया के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने गेम को रिकॉर्ड कर सकते, उसे देख सकते बाद में और उसे एडिट भी कर सकते। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।